चार किस्म के बर्तन जिनका इस्तेमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब्दुल कैस का वफद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चार बातों का हुक्म दिया और चार किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माले गनीमत से जो मिले उसका पाँचवा हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना और चार बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज़ कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं।